दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जिन्हें प्लेन में बैठना पसंद नहीं होगा। आप में से बहुत से लोग प्लेन में बैठे भी होंगे और बहुत से बैठना चाहते होंगे। अब प्लेन से जुड़ी एक और शानदार कहानी आपने सुनी होगी, लेकिन आज की कहानी वाकई में आश्चर्य से भरी हुई है। ये एक ऐसे एरोप्लेन की कहानी है जो टेक ऑफ करने के बाद 35 सालों तक हवा में रहा और जब उसे लैंड किया गया तो लोगों के उसे देखकर होश उड़ गए। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग इस घटना को टाइम ट्रैवल से जोड़ते हैं, तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इस घटना को एक भूतिया घटना से जोड़ते हैं। घटना कुछ भी हो, लेकिन इस प्लेन की कहानी चौंकाने वाली जरूर है। आप खुद इस कहानी को पहले सुनिए और फिर आप खुद तय करके कमेंट में बताइए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्लेन का सफर जितना मजेदार होता है उतना ही रिस्की, क्योंकि 35,000 फुट ऊपर हवा में अगर छोटी सी भी चूक हो जाती है तो आपका बचना लगभग नामुमकिन ही हो जाता है। लेकिन आज की इस कहानी की बात ही कुछ और है। हम बात कर रहे हैं ब्राजील की फ्लाइट नंबर 513 की। तारीख थी 4 सितंबर 1954। सेंटियागो फ्लाइट 513 वेस्ट जर्मनी के आचेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरती है। इस प्लेन को ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचना है, जिसकी दूरी करीब 18 घंटे की है। ये फ्लाइट 88 यात्री और 4 क्रू मेंबर को लेकर जर्मनी से अपने देश ब्राजील आ रही थी। फ्लाइट के कैप्टन थे मिगवेल विक्टर क्यूरी। कैप्टन मिगवेल को नहीं मालूम था कि उनके साथ अगले कुछ घंटों के बाद क्या होगा। अब होता कुछ यूं है कि उड़ने के कुछ ही घंटों बाद जब सेंटियागो फ्लाइट नंबर 513 अटलांटिक ओशियन के ऊपर पहुंचती है तो वो ATC के रडार से अचानक गायब हो जाती है। और ये देखकर ATC में काम कर रहे अधिकारी और कर्मचारी पहले तो हैरान हो गए और वो प्लेन से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करने लगे। जब कुछ मिनटों बाद भी फ्लाइट रडार पर नजर नहीं आई तो उनके होश उड़ गए और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये फ्लाइट अचानक से कहाँ चली गई है, और वो एरोप्लेन से लगातार संपर्क साधने की कोशिश करने लगे। मगर सेंटियागो फ्लाइट नंबर 513 की ओर से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। ये देख तत्कालीन ATC की सभा बुलाई गई, जिसमें ब्राजील और जर्मनी के कुछ उच्च अधिकारी शामिल थे। सेंटियागो फ्लाइट के अचानक गायब होने की वजहों पर बात होने लगी, मगर किसी को कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए ATC ने खोजकर्ताओं की टीम बनाई और उन्हें अटलांटिक ओशियन के लिए रवाना कर दिया, क्योंकि जब प्लेन का कनेक्शन ATC के रडार से टूटा तब वो फ्लाइट अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ रही थी। आमतौर पर जब कभी भी ऐसा होता है तो ये मान लिया जाता है कि कोई दुर्घटना हो गई है और प्लेन किसी हादसे का शिकार हो गया है। इस केस में भी ATC को लगा कि सेंटियागो फ्लाइट नंबर 513 किसी दुर्घटना के शिकार हो चुकी है। मगर जब खोजकर्ताओं की टीम अटलांटिक महासागर पहुंची तो उन्हें वहां कोई भी क्रैश हुए एरोप्लेन का मलबा नहीं मिला और ना ही सफर कर रहे किसी भी यात्री की बॉडी। फिर ATC की ओर से ये अनुमान लगाया गया कि हो सकता है कि प्लेन अटलांटिक महासागर की गहराइयों में चला गया हो, और इसके लिए भी एक टीम बनाई गई। खोजकर्ताओं की टीम ने करीब हर वो जगह छानबीन कर ली जहां प्लेन के होने की उम्मीद थी, मगर प्लेन का कोई सुराग नहीं मिला। एरोप्लेन के इस तरह से गायब हो जाने की वजह से सफर कर रहे यात्रियों के घरवाले बहुत दुखी थे और जानना चाहते थे कि प्लेन के साथ आखिर हुआ क्या। सेंटियागो एयरलाइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं था। कुछ दिन बीते हफ्तों में, कुछ हफ्ते बीते महीनों में, और कुछ महीने बीते सालों में, मगर प्लेन का कोई सुराग नहीं मिला। इस तरह करीब 2 साल तक सर्च ऑपरेशन चला और आखिर में इस सर्च ऑपरेशन को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अब तारीख आती है 12 अक्टूबर 1989 की। एक अज्ञात एरोप्लेन ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर तेज गति से बढ़ता हुआ आ रहा था। ATC में काम कर रहे कर्मचारियों को रडार पर जैसी इस प्लेन की सूचना मिलती है और वो अज्ञात प्लेन से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, मगर प्लेन की ओर से कोई जवाब नहीं आता और वो तेज गति से लगातार एयरपोर्ट के रनवे की ओर बढ़ रहा था। लगातार प्लेन से संपर्क साधने की कोशिश जब नाकाम हो जाती है तो आनन फानन में रनवे को खाली कराया जाता है और कुछ ही मिनटों के बाद एक अज्ञात फ्लाइट ब्राजील के एयरपोर्ट पर लैंड कर जाती है। ATC के अधिकारी और कर्मचारी तुरंत अपने ऑफिस से निकलकर रनवे की ओर भागते हैं, और जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो उन्हें जो दिखाई देता है वो देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो अज्ञात फ्लाइट उसी सेंटियागो एयरलाइन कंपनी की थी और ये कंपनी 1956 को ही बंद हो चुकी थी, यानी ठीक सेंटियागो फ्लाइट नंबर 513 के गायब होने के 2 साल बाद। जो भी अधिकारी और कर्मचारी इस प्लेन को अभी देख रहे थे, वो प्लेन बिल्कुल नया जैसा लग रहा था।
उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर जिस कंपनी को बंद हुए 33 साल हो चुके हैं उसका नया प्लेन रनवे पर कैसे लैंड कर सकता है। उन्होंने कर्मचारियों को प्लेन के अंदर जाकर देखने के लिए कहा और जैसे ही वे लोग अंदर गए उनके मुंह से चीख निकल गई। प्लेन पूरा कंकाल से भरा हुआ था, हर सीट पर कंकाल बैठे हुए थे और जब उन्होंने कॉकपिट का दरवाजा खोला तो प्लेन चला रहे फ्लाइट के कैप्टन मिगुएल विक्टर क्यूरी के हाथों में प्लेन का कंट्रोल था और वो भी मर चुके थे। उनका शरीर भी कंकाल बन चुका था और ये फ्लाइट थी सैंटियागो फ्लाइट नंबर 513। अब हैरानी की बात यह है कि प्लेन आखिर था कहाँ। जब इस प्लेन में एक भी इंसान जिंदा नहीं है तो फिर प्लेन बिल्कुल सही लैंड कैसे हुआ, प्लेन का इंजन चालू कैसे है, प्लेन बिल्कुल ब्रांड न्यू कैसे है। अब ये सारे सवाल किसी आम इंसान का दिमाग घुमाने के लिए काफी थे। कहते हैं कि पैनिक ना फैलने की वजह से ब्राजील सरकार ने इस खबर पर रोक लगा दी। फिर इसकी जांच शुरू हुई और अलग अलग तरह की थियोरीज निकलनी शुरू हुई। सबसे पहली थियोरी ये आई कि ये प्लेन उड़ने के बाद किसी टाइम ट्रैवल में फंस गया, यानी किसी ब्लैक होल के अंदर चला गया था जिसकी रेडिएशन से इन सारे लोगों की ये हालत हो गई। दूसरी थ्योरी ये आई कि किसी एलियन का शिकार हो गया ये। और तीसरी थ्योरी ये आई कि ये किसी इंसानी साजिश और एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। लेकिन ये सब सिर्फ और सिर्फ थ्योरी थी, इसका कोई भी पुख्ता सबूत नहीं था कि इसके साथ क्या हुआ था। और ये सवाल आज भी सवाल ही हैं। ब्राजील की सरकार ने इस घटना को बहुत छुपाने की कोशिश की मगर 1989 में फेमस पत्रकार इरविन फिशर ने इस घटना से पर्दा उठाया। उन्होंने एक आर्टिकल में इस पूरी घटना को छापा। जैसे ही घटना अखबार में छपी लोगों के बीच फैली सैंटियागो नंबर 513 की कहानी ऐसे फैली जैसे जंगल में आग। लेकिन इरविन ने इस खबर का कोई पुख्ता सबूत नहीं दिया था, मसलन सिर्फ एक एरोप्लेन की फोटो अखबार में थी, कोई कंकाल की फोटो नहीं थी। इसलिए इस कहानी को लोगों ने दो थड़ों में बांट दिया जिसमें से कुछ लोग इसे सही मान रहे थे और टाइम ट्रैवल और भूत जैसी चीजों से रिलेट कर रहे थे, तो वही दूसरे लोग भी थे जो इस खबर को सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट मान रहे थे और इस खबर को झूठ के सिवा कुछ नहीं बताते हैं। आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें।